हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज के वीडियो का टॉपिक काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि बच्चों की घर पे स्पीच थेरेपी कैसे कराएं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपकी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपका एक भी पैसा नहीं लगना है। आपको बस एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, आपका कुछ भी नहीं जाना है। बट आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है उससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और मैं उससे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर ने आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी कराने के लिए बोला है तो आप बिल्कुल कराइए, ज़रूर कराइए। क्योंकि हर बच्चे में जो प्रॉब्लम होती है वो एक सी नहीं होती है। हर बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है स्पीच की वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई किसी बच्चे को बोलने की आदत ना हो, या किसी स्पेसिफिक लेटर पर वो रुकता हो, या किसी स्पेसिफिक वर्ड पर रुकता हो, या कभी वो किसी की बात सुनकर रिएक्ट ना करता हो। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबकी बीमारियां अलग अलग होती हैं, उसी तरह से स्पीच की प्रॉब्लम भी हर बच्चे को एक सी नहीं होती है। तो अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को पहले देखता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ स्पेशली सेशंस देता है और उनका कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है तो वो उनके अकॉर्डिंग करता है। तो मैं यहाँ पे आज के वीडियो में जो आपको बताने वाली होती हूँ इन्फॉर्मेशन, वो इसलिए है कि आपको स्पीच थेरेपी के साथ साथ ये जो भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आपको प्रैक्टिस करानी है। क्योंकि बच्चे के साथ 24 घंटे हम ही रहते हैं, हम अपने बच्चे को जितना सिखा सकते हैं उतना कोई भी नहीं सिखा सकता है। अगर आप स्पीच थेरेपी के सेशन लेते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे के या दो घंटे के होंगे, बट बच्चे के साथ जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं, हम उसको जितना सिखाएंगे उससे बच्चा और भी जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो जो आ साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे बच्चे पापा, मामा, बाबा, नाना, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो जब बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। क्योंकि जो स्वर होते हैं, स्वर यानी अ, आ, ई, ई, उ, ये जितने भी स्वर होते हैं वो थोड़ा बोलने में आसान होते हैं, इसलिए बच्चे इनको जल्दी ही बोलना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चे को स्वर बोलने की प्रैक्टिस करानी चाहिए। कैसे? जैसे पा पा, मा मा, और उसके साथ जो आप लेटर बोल रहे हो जैसे आ, ई, ऊ, ओ, तो कुछ इस तरह से आपको इन सारे स्वरों की प्रैक्टिस करानी है। और बोलते समय आपका पूरा प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए और आपको अपने बोलने की स्पीड को थोड़ा धीमे रखना है। और जब इन स्वर की प्रैक्टिस बच्चों को करा दे, फिर इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, जैसे सपोज आप ओ सिखा रहे हो बच्चे को, तो पहले उसका साउंड सिखाइए ओ, फिर उसी से रिलेटेड शब्द जा ओ, आ ओ, तो इस तरह से बच्चा आपके पास जब भी रहे आप उसको आसानी से प्रैक्टिस कराइए। और गाइस, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आप समझते हैं कि बच्चा 3-4 दिन में ही सीख जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा बहुत छोटा होता है, थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ज़रूर करिए, क्योंकि स्पीच थेरेपी की मैं पूरी सीरीज़ आपके लिए आगे लाने वाली हूँ। तो आइए बात करते हैं आगे की। तो जब आप बच्चों को स्वर सिखा लेते हो, स्वर के बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में हमें डायरेक्टली उसे क ख ग नहीं सिखाना है, हमें उसे पहले कुछ ऐसे अक्षर सिखाने हैं जो तालु से निकलते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, कुछ इस तरह के लेटर्स को आपको बच्चे को बार बार रिपीट करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि फेशियल एक्सप्रेशन मस्ट है, वो जरूर होना चाहिए, तभी वो बच्चे के ब्रेन में इजीली कैप्चर करता है। तो जब भी आप बच्चों को ये तालु से निकलने वाले लेटर सिखा चुके हो तो इसके बाद अब आप वो लेटर सिखाओगे जिसको बोलने में जो हमारी टंग है वो थोड़ी टंग का मूवमेंट होता है। वो कौन से ऐसे लेटर्स हैं? जैसे च, छ, ज, झ, तो
तो जितने भी लेटर्स को बोलने में हमारे टंग का मूवमेंट होता है वो थोड़ा बच्चे को बोलने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए बच्चे उसको सबसे लास्ट में सीखते हैं। तो पहले आप उसको स्वर सिखाइए, फिर आप उसको पहले के व्यंजन सिखाइए, और उसके बाद उसको लास्ट में टंग से बोलने वाले जितने भी लेटर्स हैं वो सारे सिखाइए। तो अगर आप अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी करा रहे हो और उसके साथ आप बच्चे को ये भी प्रैक्टिस करवा रहे हो तो डेफिनेटली बच्चा बहुत ही जल्दी बोलने लगेगा। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी स्पीच थेरेपी के सीरीज़ में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉयज को हम कैसे स्पीच थेरेपी में यूज़ करते हैं, जो कि आप अगर स्पीच थेरेपी के सेशन में भी बच्चे को लेके जाते हो तो वहाँ पर भी वो ऐसे ही बच्चे को सिखाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।